वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और गाइस बढ़िया ही रहना क्योंकि मैं फिर से न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जो आप इस तरह की स्टोरी एडिटिंग करोगे तो बहुत अमेजिंग लगने वाले हैं। जो इस तरह की स्टोरी एडिट आप लोगों से एडिट नहीं हो पा रही है तो मैं आपको एडिट करके दे सकता हूँ, इसलिए मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले स्टोरी एडिट करने में आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम में आ जाना होगा और इंस्टाग्राम में आने के बाद आपको कोई भी एक पिक्चर को ऐड कर लेना है। मैं ये वाला पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको जाना होगा कलर वाला ऑप्शन में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपको कलर वाला ऑप्शन में जाना होगा। कलर में जाने के बाद यहाँ ब्रश पे जाएंगे, यहाँ से आपको ये जो ब्लू वाला कलर है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फुल स्क्रीन में लगा देना है, कुछ इस प्रकार से आपको बस कर देना है। ये देखो मैंने कुछ कर दिया है इस प्रकार से, ये देखो हो गया है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर से राइट कर देना होगा। इतना करने के बाद आपको जाना होगा टेक्स्ट वाला ऑप्शन में। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको वन डॉट लगाना है और आपको यहाँ पर पेस्ट लगाना है, कुछ 20 या 30 पेस्ट लगाना होगा। ओके फ्रेंड्स, और कलर के बाजू में जो ऑप्शन है एक का, उसके ऊपर दो बार टाइप करोगे तो ये बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट कलर का आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपको फास्ट आपको यहाँ पर पेस्ट लगा देने हैं। और टेक्स्ट का टाइल ये याद रहेगा, टेक्स्ट का टाइल है वो आपको लास्ट वाला रखने का है। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से करना है। इसके बाद इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर टच करने के बाद ये पूरा हमने भी जो लाइन बनाई है उसको आपको कॉपी कर लेना है और ऊपर से डन करना है उसको। कुछ इस प्रकार से इस साइड आपको लगा देना है, कुछ इतनी सी पेस्ट रख के। इतना हो गया। इसके बाद आपको फिर से टेक्स्ट में जाना होगा। टेक्स्ट में जाने के बाद फिर से यहाँ पर अभी पेस्ट कर देंगे हमने अभी जो कॉपी किया है वो उसको दूसरी साइड आपको कुछ इस प्रकार से लगा देना है। ये देखो कुछ उस तरफ भी इतना सा आपको रखना होगा। ओके पेस्ट। इसके बाद कलर वाला ऑप्शन में जाएंगे। कलर में जाने के बाद यहाँ पर इरेजर पर जाएंगे, उसका साइज फुल करने के बाद जो दोनों बाजू हमने अभी जो पेस्ट रखा है उसको आपको इरेज कर देना है। कुछ इस प्रकार से आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से इरेज हो गया है। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर से डन कर देना होगा, राइट कर देना होगा। राइट करने के बाद फिर से टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद वन डॉट लगाना है और वन डॉट सिर्फ और सिर्फ वन डॉट लगाने के बाद उसको साइज है फुल कर देना है बड़ा, और उसको अच्छी तरह से ऊपर के साइड आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर देना होगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से हो गया। और फिर से टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको अंडरकोट लगाना होगा 5 या 6 बार। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद नीचे खिसकाना होगा और फिर से आपको 5 या 6 बार अंडरकोट लगा देना है। और उसमें टेक्स्ट का टाइल यही रखना है लास्ट वाला। और जो एक के ऊपर से आपको एक बार टाइप करोगे तो ये जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, उसका साइज बड़ा करने के बाद उसको अच्छी तरह से बस मिडिल के साइड में आपको रख देना है। कुछ इस प्रकार से देखो भाई लोग बन गया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से जाएंगे टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जाने के बाद फिर से सेम प्रोसेस करना है, वन डॉट लगाना है। और जो यहाँ से एक के ऊपर दो बार टाइप करके तो व्हाइट कलर का आ जाएगा, उसको बड़ा करने के बाद नीचे की साइड रख देना है। कुछ इस प्रकार से ये देखो हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से जाना होगा, अब आपको जाना होगा टेक्स्ट वाला ऑप्शन में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना होगा टेक्स्ट में। ये देखो टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा न्यू पोस्ट, और टेक्स्ट का टाइल है जो लास्ट में से दूसरा वाला रखने का है, और उसको साइज बड़ा करने के बाद अच्छी तरह से ऊपर से डन कर देना, अच्छी तरह से मिडिल में रख देना है। कुछ इस प्रकार से ये देखो बन गया। इसके बाद अब आपको जाना होगा गिफ्ट वाला ऑप्शन में। गिफ्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी पिक्चर को ऐड करना है वो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर एक बार टाइप करोगे तो ये अच्छी तरह से इस तरह का बन जाएगा, और उसको अच्छी तरह से बस आपको एडजस्टमेंट कर देना है। कुछ इस प्रकार से हो गया। और फिर से सेम प्रोसेस करना है, कुछ इस प्रकार से हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये देखो हो गया। तो इस तरह के आप स्टोरी बनाओगे तो बहुत अमेजिंग लगने वाली है। जो ये देखो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी बनके तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये वाला स्टोरी का आइडिया पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो साइड में आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे जब भी कोई हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आते रहे। अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।